ये लोग कह रहे थे कि रजत भैया इनके साथ मिले हुए हैं, इनकी कोई भी लड़ाई नहीं हुई है, ये लोग सिर्फ ड्रामा कर रहे थे, आपको बेवकूफ बना रहे थे। कसम खाओ मम्मी जी, रो लो। भैया ने जो आपको दुख दिया है, कुछ कहने से कम नहीं होने वाला, तो रोकर अपना सारा दुख बाहर निकाल लो, रो लो। अपनी माँ को बेवकूफ बनाना जो कि अपने बच्चों के लिए सारी उम्र बेवकूफ बनती है, नहीं, रजत भैया ने बहुत गलत किया है। मम्मी जी सोच रहे होंगे काजल तो छल्ली है ही है, मम्मी जी भी छल्ली हो गई है। मम्मी जी, आज से पहले मैं हमेशा रजत भैया की साइड लिया करती थी, पर इस बार नहीं, इस बार उन्होंने मेरी माँ को दुख पहुंचाया है। पर आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, आपकी बेटी हमेशा आपके साथ है, आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगी। और वैसे भी आज आपने मेरे लिए बोलकर मुझे हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया। माना कि आप मेरी माँ हो, पर अगर आज के बाद आप मेरे साथ मालिकों की तरह भी बर्ताव करोगे ना, तब भी मैं आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी मम्मी जी। सच में आप प्लीज मत रोइए। रजत ऐसा कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है वो मेरे साथ ऐसा? नहीं मम्मी जी, प्लीज मत रोइए। मुझसे इस तरह से रहा नहीं जा रहा है, मुझे लगता है मुझे मॉम से एक और बार बात करने की ट्राई करनी चाहिए। वो कुछ भी हुआ उसके बाद पता नहीं मॉम क्या सोच रही होंगी, किस हालत में होंगी। रजत आपने देखा ना, अगर से बातों से बात बननी होती ना तो अब तक बन गई होती। वो काजल, आपने देखा ना, उस काजल ने मम्मी जी को कितनी बुरी तरह से अपनी साइड करके रखा है। रजत, उन्होंने आपकी बात तक नहीं सुनी। हम किसे बिना पुख्ता सबूत के कुछ नहीं कर सकते, और आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? एक ही दिन की तो बात है मम्मी जी, एक बार अपनी आंखों से सब कुछ देख लेना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं मॉम वहां आने के लिए तैयार होंगी भी कि नहीं, पर अगर वो वहां पर नहीं आई, उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ नहीं देखा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। रजत आप टेंशन मत लीजिए, वो सब कुछ हम संभाल लेंगे। हम पापा जी से बात करेंगे, आप सिर्फ ये सोचिए कि अजय को कैसे यूज करना है। हेलो। हाँ जी, काम हुआ? हाँ काम हो गया, कागज तैयार है। ठीक है, मैं 5 बजे पहुंचती हूँ। गुड, आधा काम तो इसने कर दिया, अब बस अन्नू 5 बजे तक मॉम को ले आए। मम्मी जी प्लीज दरवाजा खोलिए। मम्मी जी एक बार हमारी बात तो सुनिए प्लीज, हमें आपको कहीं पे अर्जेंटली लेके जाना है। मम्मी जी, मुझे कहीं नहीं जाना। मम्मी जी प्लीज, सिर्फ आज हम पे एक बार विश्वास कर लीजिए, फिर चाहे इसके बाद हम पे कभी विश्वास मत करना प्लीज। मम्मी जी प्लीज, आप दरवाजा खोलिए। मम्मी जी,
अनुष्का शास्त्री, मुझे तेरे साथ कहीं नहीं जाना और विश्वास और तुझ पे कभी हो ही नहीं सकता। तू जितना मर्जी झूठ बोल ले और जहां भी जाना है ना, अपने उस पति को लेके जा, समझे? मम्मी जी, खबरदार जो मुझे मम्मी जी का, मैं तेरी मम्मी जी नहीं हूं। तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरा ना कोई रिश्ता तेरे साथ है, ना तेरे उस पति के साथ। कह देना उससे। मम्मी जी, हे भगवान, मम्मी जी तो हमारे साथ चलने को तैयार ही नहीं है। अब हम उनके सामने काजल का असली चेहरा कैसे ला पाएंगे? शुक्र है तू ही है, मैं तो इतना डर गई थी। अगर कोई जान पहचान वाला होता ना, पता नहीं फिर क्या ड्रामा करना पड़ता। और ये तेरे मुंह पर क्या हुआ? यो कुछ नहीं, मैं गिर गया था। तू बोलना के है? पर यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? दिल्ली में नहीं आई के? यहाँ पर लाइट अक्सर जाती रहती है। ये ले तेरे कागज। इनका ही तो इंतजार कर रही थी। पहले मेरा इंतजार खत्म कर, फिर कागज दूंगा। पैसे कहाँ हैं? वो पैसे तो घर पर है। अभी घर मेरा नहीं हुआ ना, एक बार घर मेरा हो जाने दे, मैं तुझे सारे पैसे दे दूंगी। पैसे घर पर है, घर की चाबी तेरे पास, जा के पैसे लेकर आ, फिर कागज दूंगा। ओहो अजय, तू मुझ पर शक कर रहा है? तुझे धोखा दे सकती हूँ क्या? देखना मेरी शक्ल, मुझे तो वैसे तुझसे इतना डर लगता है। तेरी शक्ल भी देखी है मैंने और तेरी अकल भी, बड़ी तेज है तू। ऐसे ला और कागज ले जा, समझी? अच्छा तू बिना बिना बात का इतना गुस्सा कर रहा है। दे दूंगी ना पैसे, कुछ कह रही हूँ क्या? दे दूंगी, ला दे। तेरा भरोसा करूँ मैं? तेरी वैसे तेरे घर पर चोरी की मैंने, वेटर बन के लोगों की जी हुजूरी की, जेल गया, पुलिस के डंडे खाए। नहीं, यो तो सिर्फ दिल्ली की बात है, करनाल की बात बताऊं? ओहो अजय, आपसे जो इतना प्यार करता है, आप उनके काम गिनवाओगे अब? क्या? कौन कर रहा है प्यार? जे मैं और कौन? ये उल्लू ना, वो सरीन परिवार को बनाइयो, मानने नहीं। अरे उल्लू तो वो लोग बन ही गए, खास करके वो लेडी गब्बर। अब मेरा मतलब मेरी प्यारी मम्मी जी, उन्हें तो मैंने पहले से पिंजरे में डाल रखा है। वो क्या कहते हैं, जब मालिक अपने तोते को कहते हैं तब वो टर-टर करते हैं ना, और मम्मी जी जब मैं कहती हूँ मेरी मम्मी जी भी तभी टर-टर करती हैं। बस एक बार ये डफर मम्मी जी एक बार साइन कर दे पेपर्स पर, उसके बाद तो जितने पैसे कहेगा जो कहेगा मैं करूंगी। ठीक है, अब कागज दे दे। देखा, लाइट भी आ गई। अब भगवान भी यही चाहते हैं कि तू ये कागज मुझे दे दे। भगवान भी चाहते हैं।
लेकिन ये नहीं कि तुम्हें कोई कागज मिले, बल्कि ये कि तुमने जो घटिया हरकतें की है उसके लिए तुम्हें सही सजा मिले। आप भी अपनी बेइज्जती करवाते करवाते थकती नहीं है? आ जाती है मुंह उठाकर ज्ञान देने, भाषण देने। मैं एक चाल चलती हूँ और आपको रोते रोते वापस जाना पड़ता है। कोई बात नहीं, आपने रजत भैया को अपनी साइड कर लिया है और हाँ, मेरे डफर पति को भी अपनी साइड कर लिया है। पर एक बात याद रख, मम्मी जी मेरी साइड पर हैं और जब तक मम्मी जी मेरी साइड पर हैं, मेरा यहाँ पर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे आपको कल का सीन तो याद होगा ना, तो इसीलिए अब आप भी अपना दिमाग चलाना बंद कर दीजिए, जैसे कि मेरी प्यारी मम्मी जी ने किया। ठीक है, मम्मी जी तुझे हाँ? अपनी मौत का नाम लेकर मुझे बेवकूफ बनाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? वैसे ये तूने अच्छा किया जो मुझे अपनी साइड कर लिया, लेकिन सोच तब क्या होगा जब ये मिंटी तेरे खिलाफ जाएगी। हाँ? क्या होगा? आज तक मिंटी तुझे सबसे बचाती आई ना, तुझे मिट्टी से कौन बताएगा? बता कौन बचाएगा तुझे? मम्मी जी एक खत्म नहीं हो। तो सोच मुझे कितना गुस्सा आया होगा ये सोच के कि जिन बच्चों को मैं खरोंच तक नहीं लगने देती थी उन्हें मेरी वजह से कितना दुख झेलना पड़ा। तो सोच मुझे कितना गुस्सा आया होगा ये सोचकर कि मैं ये गुस्सा तुझ पर कैसे उतारूंगी।
एक शब्द नहीं कहा ना। अच्छा तो सच क्या ये बता दो ना, जिसकी वजह से तुम ये सब बातें करती हो। क्या हुआ, चुप क्यों? अब साफ सुन गया तुम्हें? तुम ना एक नंबर की कमीनी लड़की हो, और तुम जैसी लड़की पे विश्वास करना ना पाप है। मम्मी जी देखिए। बस कर काजल, और कितना झूठ बोलोगी तुम? माना कि तुम किसी भी बात को घुमाकर खुद को सही और बाकी सबको झूठा साबित कर देती। अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ये बनावटी सच्चाई सबके सामने आ गई है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। और हमारे बीच यहाँ पर जो भी बात हुई है वो मेरे फोन पे रिकॉर्डेड है, और ये रिकॉर्डिंग अब पुलिस स्टेशन जाएगी। मम्मी जी, प्लीज मुझे माफ कर दो। छोड़ दे मुझे। मम्मी जी, प्लीज मुझे माफ कर दो। एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बचपन से मां नहीं है। नहीं। खबरदार, खबरदार, जो अपनी मां के नाम की दुहाई दी, कम से कम अभी तो उसे चैन से मरने दे। बस ले जाए इसे, ले जाए इसे, नहीं तो मैं मार डालूंगी इसे। मम्मी जी, अब शांत हो जाइए। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। देखता हूं कैसे बचता है यो सरीन परिवार। मम्मी जी, मरते दम तक माफ नहीं करूंगी। मम्मी जी प्लीज। चलो चलो, मेरे पैर छोड़। वैली, वैली, मुझे जाने दे, जाने दे।